जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि वृष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर वृषभ राशि के व्यवसाय के बारे में, वृषभ राशि के व्यवसाय 2022 के बारे में, वृषभ राशि के व्यापार 2022 के बारे में, कि वृषभ राशि का व्यापार भविष्य 2022 कैसा रहेगा, वृष राशि का राशि के अनुसार व्यापार व्यवसाय 2022 की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि यह राशि फल जो है वार्षिक राशि भविष्य 2022 है। इसमें हम वार्षिक राशि फल यानी ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इस 2022 गुड फॉर टॉरस बिजनेस, अथवा इस 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर टॉरस बिजनेस। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपने लग्न का पता करें। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं इंटरनेट पर जो फ्री में लग्न बताती हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट astrosage.com है, वहाँ जाइए, आप फ्री में लग्न का पता करिए। ना पता हो तो आप राशि या फिर नाम राशि के अनुसार भी अपने भविष्य की टोह ले सकते हैं। वृष राशि 2022 बिजनेस होरोस्कोप या वृष राशि बिजनेस 2022 होरोस्कोप को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2022 में प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही वृष राशि 2022 बिजनेस यानी आपके बिजनेस संबंधी परिणाम का भविष्यफल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों का व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, यानी करियर प्रेडिक्शन में विशेषता बिजनेस को जानने के लिए हम उनके दशम भाव के स्वामी शनि, लाभ भाव के स्वामी गुरु, सप्तम भाव के स्वामी मंगल और व्यापार व्यवसाय के नैसर्गिक कारक बुध ग्रह के गोचरों का विशेष अवलोकन करेंगे। वृषभ राशि का वार्षिक व्यवसायिक राशिफल और 2022 या वृषभ राशि 2022 का व्यापार भविष्य के लिए हम दशम भाव के स्वामी शनि की बात करें तो शनि पूरे वर्ष में अपनी राशियों में ही भ्रमण करेंगे। विशेषकर 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच शनि ग्रह दशम भाव यानी कि करियर भाव में रहेंगे, बाकी के समय शनि नवम भाव में रहेंगे। हालांकि यह दोनों ही स्थितियाँ आपके फेवर की हैं, अच्छी कही जाएंगी, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच का समय तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। बाकी के समय में भी एवरेज से ज़्यादा अच्छे परिणाम शनिदेव जी के द्वारा दिए जाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यानी कि हम सामान्य तौर पर 2022 में शनि ग्रह से वृष राशि वाले लोगों के करियर के लिए एवरेज से ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। टॉरस बिजनेस होरोस्कोप 2022 या टॉरस होरोस्कोप 2022 फॉर बिजनेस के लिए बृहस्पति ग्रह के गोचर को भी देखना है। और बृहस्पति ग्रह के गोचर की बात करें तो 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति आपके करियर हाउस में रहेंगे, जो आपको अच्छे परिणाम देंगे। बाकी के समय बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, यहाँ से भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद बन रही है। वृषभ राशि बिजनेस या टॉरस होरोस्कोप फॉर बिजनेस के लिए आपको सप्तम भाव के स्वामी मंगल के गोचर को भी देखना होता है। और उसकी बात की जाए तो 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 के बीच यह आपके आठवें भाव में रहेंगे। इस अवधि में आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। दूसरी अवधि जब मंगल देखने में विरुद्ध सा रहेगा, वह अवधि है 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 के बीच। यह वह अवधि है जब मंगल वृष राशि में रहेंगे, लेकिन वास्तव में यह स्थिति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि फायदा दिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मंगल तब अपनी ही राशि में रहेंगे और व्यय भाव में होकर के भी आपके सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि अपनी ही राशि को देखेंगे और आपको फायदा पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। अर्थात गुरु, शनि और मंगल सामान्य तौर पर इस साल अच्छे परिणाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह के गोचरों की, कि बुध ग्रह का गोचर किन किन महीनों में कमज़ोर रह सकता है। बाकी कमज़ोर के अलावा जो भी महीने हैं उन्हें आप अच्छा मानकर चलें। फिलहाल
24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 के बीच बुध नीच के रहेंगे, लेकिन यहाँ से भी कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से वो आपके लाभ भाव में रहेंगे और ज्योतिष के अनुसार धन भाव तथा पंचम भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना बुद्धि बल से लाभ मिलने का संकेतक होता है और व्यापार व्यवसाय में बुद्धि बल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, यूं कहें कि सर्वाधिक कार्य करती है। और 8 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022 के बीच बुध ग्रह वृष राशि में रहेंगे। इस समय में आपको भाग दौड़ अधिक रह सकती है, खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका कनेक्शन विदेश से है या किसी दूर के स्थान से है तो आपको इस समय भी अच्छा फायदा मिल सकता है। 26 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 के बीच बुध तुला राशि में रहेंगे। इस अवधि में कोई बड़ा रिस्क लेने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। 3 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 के बीच बुध धनु राशि में रहेंगे तथा 30 दिसंबर 2022 के बाद वह फिर से धनु राशि में आ जाएंगे। इस अवधि में भी सावधानी से काम लेने की ज़रूरत रहेगी, ऐसा संकेत गोचर कर रहे हैं। बाकी के समय में आपको अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे, अर्थात इस वर्ष सामान्य तौर पर सारे बड़े ग्रह आपका फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको लाभ दिलाने का संकेत कर रहे हैं। अतः साल 2022 में आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। बस शुरुआत के कुछ महीने, जिसमें 12 अप्रैल 2022 तक का समय शामिल है, जब राहु आपके प्रथम भाव पर गोचर कर रहे होंगे, तब तक आपको उन्मादी होकर या भावावेश में आकर के निर्णय नहीं लेना है। सूझबूझ के साथ आप निर्णय ले सकते हैं और आपको फायदा मिलेगा। सारांश यह कि साल 2022 वृष राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने व्यापार व्यवसाय को बेहतर रखें। आइए अब यह जान लेते हैं कि साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों को करियर यानी कि बिजनेस के मामले में कोई व्यवधान आता है तो कौन सा उपाय करके आप अपनी व्यापारिक क्षमता को, आप अपनी व्यवसायिक क्षमता को या अपने व्यापार व्यवसाय को बेहतर कर पाएंगे। वृष राशि वाले लोगों को साल 2022 में अपने व्यापार व्यवसाय को बेहतर करने के लिए प्रत्येक महीने शिववास देखकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार बहते हुए पानी में बादाम बहाना चाहिए। नियमित रूप से माथे पर केसर या हल्दी का टीका लगाना चाहिए। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता, बहुत संभव है कि इनसे आपको लाभ होगा ही होगा, लेकिन अगर कुछ मामलों में नहीं होता है तो आपको अपनी दशाएँ चेक करानी चाहिए। आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं, इसके लिए आप विधिवत कुंडली दिखाकर अपनी दशाओं व अंतरदशाओं का की अनुकूलता प्रतिकूलता को जान करके उनका उपाय करके बेहतर व्यापार व्यवसाय का मार्ग ढूंढ सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएँ। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले करके हमसे भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें। कहीं से भी सलाह लें, आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात और गौर से सुन लीजिए, आपकी राशि से जुड़े हुए जितने भी मुख्य पहलू हैं, हमने लगभग सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं या बना रहे हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करके और अपने व्यापार व्यवसाय में बेहतरी लाने में सफल रहेंगे। भगवान गणेश आपके व्यापार व्यवसाय में सफलता दें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।